अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू हो रहा है जनाब ख्वाब और सितारे। मैं हूँ आपकी मेजबान शमाली। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजर जिया, और जनाब इसके साथ साथ हमारे साथ है ख्वाब और सितारे की पूरी टीम जो कि इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारे साथ पेश है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हमेशा की तरह से खुशबाश। हमारी दुआएं अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रखे। बस दफा ऐसा होता है कि हम बगैर किसी वजह के या किसी वजह से उदास हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए उदासी तो अच्छी है, लेकिन उदासी अगर बढ़ जाए, लंबी हो जाए, तो वो फिर जो नॉर्मल काम दूसरी एक्टिविटीज चल रही होती हैं उन पे असरअंदाज होती है, जो अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, एक शेर की सूरत में आपको सुनाती हूँ। आज तो दिल का दरिया भी है तुगयानी पर, आज तो दिल का दरिया भी है तुगयानी पर, दिल को मगर सौ नाज बेसरो सामानी पर। क्यों जिया, दिल को ऐसा रखना चाहिए ना? बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने, बहुत जबरदस्त शेर है। आज का स्टार हमारा, आज हम स्टार डिस्कस करेंगे लियो। लियो का जो असेंडेंट साइन है वो सन है। सन इस वक्त इनके ओन हाउस से 11वें घर में है, तो इस लिहाज से तो आपको मैं बता दूं कि लियो हजरात को इतनी तो समझ आ गई होगी कि जब आपके ओन हाउस का सितारा बहुत आगे हो तो वो आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है, खास तौर पे आपके फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें थोड़ा सा आपको जो है वो डिस्टर्बेंस आएगी। सेकंड थिंग ये है कि सैटर्न जो है इस वक्त इनके दूसरे खाने में है, जो कि इनके मामलात को काफी डिस्टर्ब कर रहा है। अगरचे पिछले चार साढ़े चार साल से जो उन्होंने टफ टाइम देखा है उस तरह का तो इनको इस साल 2010 का सामना नहीं करना होगा, लेकिन इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस जो होंगी वो भी फुलफिल होती नजर नहीं आ रही। मून इन स्कॉर्पियो है, वालदा के साथ जो है ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे, पेरेंट्स के साथ घर वालों के साथ ताल्लुकात की मजीद बेहतरी के चांसेस नजर आ रहे हैं। राहु इनके पांचवें घर में है, वो लियो हजरात जो इस वक्त औलाद के ख्वाहिशमंद है उनको थोड़ा सा सितंबर अक्टूबर के महीने में औलाद के हवाले से खुशखबरी सुनने को मिलेगी, और जो लियो हजरा जिनके औलाद है उनको इस टाइम फ्रेम में अपने बच्चों पर खास तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि राहु की उन्नी की वजह से कुछ उनकी मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप होता नजर आ रहा है। मुझे जुपिटर इनका पाइसिस में है जो कि इनके एट्थ हाउस में है, सेहत के हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और इनका जो इस वक्त आठवां खाना है वो इनके बारहवें खाने को भी देख रहा है, वो भी इनको फेवर देगा। कानूनी हवाले से जो है वो दरपेश मसाइल जो है वो हल होते नजर आ रहे हैं। केतु, सन और मरकरी अगर से ओन हाउस में है इनके 11वें घर में, लेकिन ये ख्याल रखें कि सन चूंकि दुश्मन के घर में है तो इसलिए थोड़ा सा अपने पेपर वर्क में कारोबारी लिहाज से ब्लाइंड फेथ ना करें, क्योंकि 2010 का टाइम फ्रेम इनका ब्लाइंड फेथ का नहीं है। थोड़ा सा जरा पेपर वर्क में एहतियात करें, क्योंकि 2011 में जाकर इनकी जो है बेहतरी के चांसेस नजर आ रहे हैं। इस साल जरा जमा पूंजी के नुकसान होने का थोड़ा खतरा है, इसलिए बहुत एहतियात से काम लें। जमा पूंजी का नुकसान होने का खतरा है, जमा पूंजी बड़ी मेहनत से जमा की जाती है, इसलिए उसका बहुत ख्याल रखना है, फजूल खर्ची में जाया ना हो जाए या किसी दूसरे तरीके में वेस्ट ना हो। साथ साथ ये बता रहे हैं कानूनी मामलात बहुत अच्छे हैं, शुक्र है, और इसके साथ ये है कि सेहत के हवाले से भी अच्छा है। बच्चों के हवाले से कह रहे हैं कि केयर करने की जरूरत है, वो भी सारे मामला ठीक है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है लियो के लिए। ठीक है जनाब, इसी तरह से अपने काम में लगे रहे, हमारी दुआएं अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे। आते हैं SMS और डाक की तरफ, बड़ी बेचैनी से इंतजार किया जा रहा है, अब तो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है कि जल्दी से पढ़ा जाए और हमें जवाब बताया जाए। ठीक है जनाब, हाजिर हैं शगुफ्ता सबसे पहले हमारे साथ लाहौर से। शगुफ्ता डेट ऑफ बर्थ बता रही है 25 अप्रैल 1977। शगुफ्ता कहती है कि मेरी 2008 में शादी हुई थी, तब से मैरिड लाइफ अपसेट है, प्लीज बताएं कब तक लाइफ सेट हो जाएगी। इनका 2010 के शुरू में तो काफी इनके हालात बेहतर हो गए होंगे, उससे पहले के टाइम फ्रेम में यकीनन इनको मसाइल दरपेश आए हैं, लेकिन 2010 जब से शुरू हुआ है उसमें इनके